कल सुबह उन्नीस सौ बीस सानू जोगा सिंह पुत्र मत्था सिंह रेजिडेंट ऑफ गरचा ने स्टेटमेंट दिती सी कि उहदे ताए का पुत्र महिंदर सिंह पुत्र चरणन सिंह 85 ईयर ओल्ड है मास्टर टीचर टायर सी उन्होंने रिहायशी कमरे में डेड बॉडी मिली सी जिन्हों उन्होंने जरा मरण वाले महिंदर सिंह का छोटा भरा गुरदयाल सिंह जो कैनेडा रहिंदा जी ब्रैम्पटन उन्होंने कहने असी लाश घर के वजीदपुर दाखिल करवा दिता सर वो कहें भी महिंदर सिंह जिहड़ा सीगा उन्हें दस मिनट पहला उन्होंने दस्या कि घरों करमप्रीत सिंह पुत्र रेशम सिंह पिंड गरचे का मुंडा जी 23 साल का उन्हें पैसे चोरी किए थे जी तो वो पैसे चोरी करने की गल जी है पंचायत साहब होने उन्होंने पैसे वापस करने पे उस बाद करम जिहड़ा सीगा अपनी बेइज्जती महसूस करके उन्होंने खार रखता है तो ये बारे उन्हें मृतक महिंदर सिंह ने जोगा सिंह कहा भी मैनू इंज लगता भी इन्हें मेरा कतल करना वो फिर जो साढ़े को इनफॉर्मेशन आई असी यकदम जिहड़ा सीगा वो इनू थोड़ा वेरीफाई किया डिवेलप करने जो हो असी मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके तो उसकी लाश जी है जी वो पोस्टमार्टम वास्ते बंगे हस्पताल भेजती है इनका मीनवाइल जी सा को एक होर डेवलपमेंट हुई सी कि महिंदर सिंह मरण वाले दे एक 5 लाख का एक 2 लाख का चैक कैश कराने की कोशिश की हैगी लोकल बैंकों के गरचे के उतों जो असी डिवेलपमेंट लैके फर्दर इनवैसटीगेशन की तो वो सीधे जो करमप्रीत सिंह सरकार करमप्रीत सिंह जो नॉमीनेट अक्यूज हैगा वो तक पहुँच गई वो करमप्रीत सिंह जो असी राउंडअप कर लिया जी उन्हें अपना गुनाह जोड़ा है वो दसता मानता वा तो निशानदेही भी कराती है भी किने किने किया उसने करमप्रीत ने बजुर्ग का कतल क्यों तो किदा किया देखो वो जोड़ा इच्छा सी जी नीयत सी जी गुस्सा सगा जोड़ा कि उन्होंने परिवार की बेइज्जती हो गई बहुत ज़्यादा उसकी पैसे वापस करने पे उन्होंने तो उत्थे जाके तो फिर वह जोड़ा ये इंटेंशन सी वो लालच के बदल गई उन्होंने उस को चैक भी साइन करवा लिया वो भी ये रिकॉर्ड कराते सर इस कला ही कोई कोई दोषी पाया गया जो डेरोगेटर कोई होर भी हाँ जेडे जो मर्डर है वो इन्हें कल ने किया करमप्रीत सिंह ने कोई नाल नहीं सीधे दसवीं मुताबिक तो मौके तो जी एविडेंस मिली हैगी एक चैक का परना सीगा 85 ईयर ओल्ड सीगा बजुर्ग उसका मूँह गला घुटता इन्हें ईवन मतलब उसकी गर्दन के उत्ते निशान भी है तो इतने स्वेलिंग भी हैगी लैफ्ट साइड के हाथ के उत्ते एक इंजरी हैगी डेड बॉडी कि रिकवर की नहीं जी डेड बॉडी हैगी जो मौत का पता लगा तो जोड़े वो नेटिव गुआढ़ी है उन्होंने वो भरा दसिया ब्रैम्पटन कैनेडा उन्हें कहा कि मैं 5-6 दिन लग जाने भी टैस्ट करवा के आना पैंता अचक सो यू तुम मेरे हम तक मार्चिज के बंद करा दौ तो मैं आऊँगा तो फिर ना दर्शन कर लूँगा ये आखिरी तो संस्कार कर देंगे मेरे वहां ये भी पता लगा कि जिस तरीके दे नाल वो कमरा बंद सी कि दरवाजे पट के मतलब बॉडी जी बाहर कढ़ी बिल्कुल जी वो लास्ट टाइम जो इन्हें चोरी की है उदो भी ये शक दबा के चोरी करता है इन्हें जाड़ी उतो खुली की हैगी तो एक लोहे की कुंडी बनाई है वो ये बाहरों कुंडा खोल लेता है बाहरों ही मुड़के कुंडा अंदरों बंद कर दिता मतलब घर पहलों जो ना सिस्टर की मैरिज हुई पहलों उदो उन्होंने इन्होंने घर मैनेजमेंट की थोड़ी बहुत तो उदो इन घर बहुत ज्यादा आने जा रहा और वह ये कातल के मृतक का घर जरा वा वो आम सामने मामला सामने आया कुछ चेक इन्हें सैन करवाए थी कह रहे
ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗਿਆ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਲਾਗੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਚੈੱਕ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾੜਤਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਂਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ।